नमस्कार दोस्तों, B2C इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी डिमांड पे आज मैं लेके आया हूँ कट पीस के जो सबसे बड़े टेक्सटाइल मार्केट हैं सूरत के अंदर, वो मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू से एंड तक लास्ट तक देख लिया, जितना भी आप देख रहे हो ना अभी, जस्ट ये तो जस्ट एक प्रिव्यू है, इसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा। ये सब इससे भी बहुत चीज़ देखने को मिलेगा, शुरू से एंड लास्ट तक कहीं कहीं मतलब पूरे वीडियो में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, कमेंट जरूर किया करें मेरा, जो भी बुरा लगे अच्छा लगे वीडियो जैसे भी लगे करें। तो चलो, पहला टेक्सटाइल मार्केट है अवध टेक्सटाइल मार्केट, एड्रेस मैंने दे दिया है, आप देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों, ये टेक्सटाइल मार्केट आप रिंग रोड से जाओगे, सारा दरवाजा से मुड़ जाओगे, तो वहाँ से पूछ लोगे तो अवध टेक्सटाइल मार्केट कहाँ पर, तो वो बता देंगे। न्यू बॉम्बे टेक्सटाइल मार्केट के सामने ही है, अपोजिट में, ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं एक और बात बता दूँ, ये टेक्सटाइल मार्केट एक्चुअली पूरा जो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर तो अलग है मेटल काम के लिए, बाकी ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर है ना, पूरा कट पीस का है। या सूरत के अंदर जितने भी जो छोटे छोटे व्यापारी हैं थे ना, जो अलग अलग छोटी छोटी मार्केट में बैठते थे, जैसे कहीं दो हो गए कहीं चार हो गए, वो सारे जो लोग हैं ना यहीं पे आ गए अभी इस मार्केट के अंदर बैठ गए। बाकी और भी मार्केट जो मार्केट हैं उनके बारे में बताऊँगा ही। तो दोस्तों, ये जो कट पीस का मेटल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ जानकारी। कट पीस का मेटल वो होता है कि जैसे जो मान लो अगर किसी ने ऑर्डर दिया कि अगर 10,000 मीटर का कोई मेटल बनाना है उसको, तो उसमें मान लो उसने बनाया और उसमें से कुछ बच गया, बाय चांस वो रिटर्न हुआ कैसे भी बच गया, ऑर्डर कैंसिल हुआ कैसे, तो वो सारा जो मेटेरियल है ना ये लोग लेके आ जाते हैं इकट्ठे ऐसे मीलों में से, जो प्रिंट होता है मीलों में या जो 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 भी कटिंग होता है, जो वर्क होता है वहाँ से वो अपने जैसे जैसे जहाँ से थोड़ा बच गया या हल्का सा भी कलर फेड हो गया तो क्वालिटी वाले उसको निकाल देते, इसलिए लोग आते। तब देखो, ये पार्सल के पार्सल लेके भर रहे हैं ना ये लोग, ऐसे इसलिए नहीं भर रहे, ये सब देखने के लिए वहाँ बाहर पार्सल के पार्सल जाते लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये टेक्सटाइल मार्केट में एक तो बहुत अच्छा है, एकदम शांति से खरीदारी कर सकते हैं, और ये बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा मार्केट है, ठीक है। तो इसके अंदर एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे जो कट पीस का मेटल आता है उसको लोग बहुत सारे लोग मिलके ना क्लीन करते हैं पूरा, उसका जो जो पटे हुए कपड़े हैं वो सब अलग निकालते हैं, साफ़ हैं वो अलग निकालते हैं, जैसे बोरी की बोरी अभी जैसे ये बोरी की पूरा का बंडल पड़े ना, अब इनको साफ अलग करेगा, फिर इनको अच्छा सा बंडल बना के फिर बेचने काम आएगा, फिर ऐसा बना के बंच पार्सल करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको दिखाने वाला हूँ सेकंड मार्केट, ये रिंग रोड के पास में ही है, जो मैंने दिखाया था अपना मार्केट पशुपति मार्केट एक कवर किया था उसी के अंदर पड़ता है, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर पड़ता है। तो ये मार्केट भी ये समझ लो कि ये कट पीस के लिए जो थर्ड और फ्लोर जो है ना बहुत ही फेमस है, मतलब ये जो मार्केट में बताऊँगा सब फेमस है। अभी आप डिमांड करते हो कि अभी ये एक दुकान का बना दो, देखो कट पीस के मैं एक चीज़ बताऊँ ना, कट पीस का मालिक तो आपको आज देखा कल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आता है जाता है वो सब होता है, प्लस उसमें कट पीस के मेल में अगर मैं यहाँ पे बता भी दूंगा ना आपको, ठीक है, तो आप मतलब जज नहीं कर पाओगे, और आप ऑनलाइन तो कट पीस का काम कर भी नहीं सकते, पहली बार तो भूल जाओगे, ऑनलाइन आप घर से कट पीस का माल मंगा लोगे बेच लोगे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इतना इंस्पेक्शन करने के बाद में इनसे भी वो छूट जाता है, फिर आप वहाँ पे बोलोगे ऐसा माल बेच दे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दो चार बार आप लेके जाओ, फिर आपको आज अगर ग्राहक अच्छा सॉरी शॉपकीपर अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं। अभी इतना सब ये जो मेटेरियल पड़ा है ना, ये जो भी मेटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सब कट पीस का मेटेरियल है, यहाँ पे जो बहुत अच्छा ये इन्होंने फ्रेश कर करके रखा है बाहर निकाल निकाल के बेचने के लिए, ठीक है, ये बंडल के बंडल ऐसे ऐसे लेके आते हैं और वहाँ पे ऐसे फ्रेश करके और बेच देते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ मतलब ये वीडियो मेरा शुरू के लास्ट तक इसलिए देखा करो, पूरा इन्फॉर्मेशन का वीडियो होता है, ऐसे में ऐसा वीडियो नहीं बनाता कुछ भी बोल दिया। और आप एक शॉप की डिमांड करते हो, मैंने मतलब इसके अंदर कम से कम मैं 500 शॉप जो पूरा वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ, अभी उनमें से आप देख लो। मेरा तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर सूरत कट पीस के हिसाब से आ रहे हो तो मैं ये वीडियो देख लेना, कहाँ कहाँ पर एड्रेस है जो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, उसमें आके और वो मार्केट्स में ही आप जाएं और जो आपको अच्छा लगे, जो मेटल और प्राइस सब अच्छा लगे, जो आपको चाहिए कपड़ा वो खरीद के ले आएं, ठीक है। अब एक का भी फिर भी अब डिमांड कर रहे हो ना तो मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। मैं पहले चाहता हूं कि मैं जो लोग सूरत आ चुके हैं या आने वाले हैं जस्ट अभी, उनको पूरा मालूम पड़ जाए कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो आके खरीदारी कर सकें। बाकी आप लोगों के लिए सारी चीज़ आने वाली है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो और अभी कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और कुछ सजेशन है तो ज़रूर बताया करें हमें मुझे आप, ठीक है ना, तो मेरे को पता लगेगा। हाँ, जब भी आप जैसे सूरत आते हो ना,
सूरत आने के बाद ना आप कहीं मत घूमो, जो मैं मार्केट बता रहा हूँ उन मार्केटों में घूमो, ठीक है। उसके बाद फिर आप खरीदारी करके बेशक कहीं से भी ले जाओ, कोई सी भी शॉप से ले जाओ, ठीक है। तो आपको चलो मैं थर्ड टेक्सटाइल मार्केट दिखाने वाला हूँ, जो कि है काशी टेक्सटाइल मार्केट, जिसमें मैंने कुर्ती इसके लिए भी दिखाया था, लेकिन इसका थर्ड और फ्लोर पे पूरा कट पीस का माल मिलेगा, पूरा कट पीस का माल मिलेगा आपको, ठीक है। तो कट पीस के लिए ये तीन ही मार्केट हैं जो कि फेमस हैं सूरत के अंदर, और कोई कट पीस के लिए ऐसे तो दो चार दुकान लेके तो हर जगह लोग हर बैठे हुए हैं, ठीक है। वो उनका, क्योंकि फिर आपको फ़ायदा नहीं ना ये दो चार दुकान से, आप क्या कम। अभी जैसे भैया साड़ी का कर रहे हैं, देखो ये साड़ी का पूरा निकाल रहे हैं पीस, इसमें से साड़ी लोग साड़ी के साड़ी निकलता है, बढ़िया फ्रेश रहता है, मतलब ये बहुत अच्छा रहता है, ऐसा कट पीस का ऐसा नहीं खराब है, बहुत अच्छा माल निकालते ये लोग इसमें से फ्रेश करके, ठीक है। बंडल का बंडल पड़े लोग आराम से कर रहे हैं क्लीन। और अभी और एक और चीज़ है कि सूरत के अंदर ना, जैसे बोलते ना वो बाहर से ब्रोकर से सावधान, वो सही बात है, आप उनसे ना हम नहीं करना डील, आप डायरेक्ट, मैंने इसलिए टेक्सटाइल मार्केट दिखा दिया, आप जाके खुद चेक करके और देख के लेके आ जाओ। देखो कितना बंडल के बंडल पड़े हो, अभी सारा फ्रेश करेंगे इसको, सब जो कटे फटे निकालेंगे, बढ़िया बढ़िया जो कट पीस है, 2 मीटर का अलग है, 3 मीटर वाला जो कट है वो अलग निकालेंगे, 4 मीटर कट है, 1 मीटर वाले कट है, सब अलग अलग लगा के रखेंगे, उस हिसाब से आपको प्राइस बताते हैं और उसी हिसाब से ये वो डील होता है सबके साथ। अब ये जो पार्सल के पार्सल है ना, ये सब बाहर जाने के लिए है सबके सब, ठीक है। तो अब बताओ इतना बड़ा टेक्सटाइल मार्केट दिखा दिया, आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ठीक है। और कमेंट करके प्लीज़ मेरे को बताओ ना कि मैं मतलब वीडियो में जो बना रहा हूँ कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को लगता भी नहीं कि मैं इतना सब मेहनत करने के बाद ना वीडियो बनाने के कि मैं कुछ मेहनत कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपका जब कमेंट पढ़ता हूँ ना और आप वीडियो जैसे लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगे लोगों से जुड़ रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये तो मेरा वीडियो था, और जो आप किस चीज़ के बारे में जो बनाना चाह सुनना चाह रहे हैं या वीडियो देखना चाह रहे हैं वो मेरे को कमेंट करके बता दें, ठीक है। यहाँ पे जब भी ख़रीदारी करो, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से क्या चलता है आपके एरिया में, वो देख के, वो कपड़ा देख के, कपड़ा फील करके और कर ख़रीदारी कर। जैसे भी कट पीस का माल फ्रेश कर रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसे बंच बना के डाल देंगे और फिर लोग यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर नहीं किया है तो, ठीक है। और कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए और स्माइल देते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए मेरे को कुछ सुझाव। सो थैंक यू।